खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जिले के प्रवास पर हैं। बता दें कि मंत्री ने विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वालों के साथ बैठक कर उनसे पार्टी की जीत के विषय में चर्चा की। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है और राज्य सरकार के काम को देखते हुए जीत सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इस आवेदन में 5 नाम तय कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी और जिला कांग्रेस कमेटी 3 नाम चयन कर प्रत्याशियों की सूची प्रदेश में भेजेंगे। अभी अपना प्रभार जिला है तो अभी चुनाव होना है आगे चल के, तो अपने सभी जो भी दावेदार है काफ़ी लोग मिले हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है। यहाँ जांजगीर ज़िले में तीनों ही विधानसभा सीट अभी कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोगों में मैंने बताया ना, उत्साह बहुत है। 52-53 लोग टिकट के लिए आवेदन दे रहे हैं, कहीं 35 दे रहे हैं, कहीं 10 दे रहे हैं, 100 से ज़्यादा भी दिए कई जगह। ये कांग्रेस पार्टी की जो अभी जो हमारी सरकार पौने 5 साल तक जो काम की है, इसमें जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हर वर्ग के लिए काम हुआ है, उसका काफ़ी पूरे प्रदेशवासियों में उत्साह है और काफ़ी कांग्रेसी लोग उत्साहित हैं इस बात के लिए कि जिसको भी टिकट मिले।